अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है जीन एक्सप्रेशन एंड प्रोटीन साइंथिसिस। अच्छा, सबसे पहले हमने ये समझना है कि जीन कहाँ पे मौजूद होता है, डीएनए पर मौजूद होता है, ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। तो डीएनए पर यहाँ पर मैं एक रफ डायग्राम सा बना है, इसमें ये जो ग्रीन टाइप आपको नजर आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये जीन है, यही जीन अपनी कोडिंग या मैसेज फॉरवर्ड करते हैं किसको, मैसेंजर आरएनए को। आप किस तरह ट्रांसफर करेंगे ये आगे हम पढ़ेंगे। तो ये मैसेंजर आरएनए बनाते हैं डीएनए, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और मैसेंजर आरएनए फर्दर जाके राइबोसोम में मतलब ट्रांसलेट होता है, और वो क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन अमाइनो एसिड का एक लॉन्ग चेन होता है, यानी पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होता है, पॉलीमर चेन होता है। अब इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। इन दो प्रोसेस को एज अ होल मतलब प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं, और इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लैंग्वेज में सेंट्रल डोगमा कहते हैं। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन से। ट्रांसक्रिप्शन में 3 फेज है, इनिशिएशन फेज, एलॉन्गेशन फेज और टर्मिनेशन फेज। इनिशिएशन फेज में क्या होता है कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रोमोटर साइट पर अटैच होता है। अब सवाल ये है कि प्रोमोटर साइट क्या होता है, तो प्रोमोटर साइट बेसिकली ये एक ऐसा सीक्वेंस होता है जो कि स्पेसिफाइड है और फाइंड आउट हुआ है प्रोकैरियोट्स में। इसका टाटाट यानी TATAAT 10-10 सीक्वेंस। अब इनको फाइंड किस तरह करेंगे, अगर यहाँ पे आप डायग्राम में देखें तो ये हमारे पास जीन है, आरएनए पॉलीमरेज फाइंड आउट करते हैं कि ये जीन है। ठीक है, अब इसके जीन के नीचे जो पीछे जो मतलब सीक्वेंस आते हैं, तो ये माइनस में मैंने प्रेजेंट किया है, और जीन के उस साइड पे राइट साइड पे जो आते हैं 3' एंड की तरफ, तो वो पॉजिटिव है। अब इसी माइनस टेन सीक्वेंसेज आप जाके तो ये देखिए यहाँ पर ये प्रोमोटर साइट मौजूद होता है प्रोकैरियोट में। -10 सीक्वेंसेज पीछे जाके प्रोमोटर साइट मौजूद होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में 35 और 70 मतलब सीक्वेंस पीछे जाके प्रोमोटर साइट मौजूद होते हैं। तो इसी पर पॉलीमरेज एंजाइम अटैच होके डीएनए का जो डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर है उसको खोल लेता है, और वहां से सीक्वेंस स्टार्ट होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एक क्वेश्चन ये है कि सिर्फ यहाँ से क्यों मतलब नज़दीक ही क्यों नहीं खुलता, तो इसमें यह है कि कुछ सीक्वेंसेस स्किप हो जाते हैं। उस स्किप्स की सीक्वेंसेस को मतलब अवॉइड करने के लिए यहाँ पर प्रोमोटर साइट सबसे पीछे रहते हैं। अब आरएनए पॉलीमरेज के 4 पार्ट्स हैं, और इसमें सबसे बेस्ट पार्ट जो है उसका काम वो है सिग्मा है। सिग्मा चूँकि बाइंड प्रोमोटर साइट पर अटैचमेंट में हेल्प देता है। अब दूसरा जो फेज है, यहाँ तक इनिशिएशन फेज कम्प्लीट हुआ, मतलब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम बाइंड हुआ प्रोमोटर साइट पर। सेकंड फेज में एलॉन्गेशन ऑफ आरएनए स्टार्ट होता है। अब ये है कि हमारे साथ आरएनए डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड को कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड कहते हैं, दूसरे को एंटी कोडिंग या एंटी सेंस टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। अब ये है कि यहाँ पर क्या होता है कि मैसेंजर आरएनए, नेक्स्ट स्टेप में अगर आप देखें तो मैसेंजर आरएनए ये भी डीएनए का 5' एंड है, ये 3' एंड है, यहाँ ये 3' एंड है, ये 5' एंड है। तो डीएनए का जो स्ट्रैंड, मैसेंजर आरएनए का जो स्ट्रैंड बनेगा वो डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड के साथ एक तरह मैच होगा। अगर आप यहाँ देखें तो ये थायमिन, एडिनिन, साइटोसिन, गुआनिन है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो मैसेंजर आरएनए पर थायमिन की जगह यूरासिल ऐड होगा, तो ये एडिनिन, एडिनिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गुआनिन, गुआनिन। तो ये मैसेंजर आरएनए एग्जैक्टली उसका कोड यहाँ पर मौजूद होता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चेंजेस यूरासिल की है। यहाँ अगर आप देखें नीचे वाले स्ट्रैंड में 3 to 5 एंड देखें, तो यहाँ पर यूरासिल के अगेंस्ट एडिनिन, थायमिन, गुआनिन, साइटोसिन ये इसके अगेंस्ट है। तो जब मैसेंजर आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा वो 5 to 3' एंड बनेगा, तो ये एलॉन्गेशन इसकी स्टार्ट होगी इसी प्रोसेस में। तो ये नेक्स्ट फेज था। अब थर्ड फेज जो है इसका है कि टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब ये है कि उसका टर्मिनल, उसका एंड पॉइंट क्या होगा मैसेंजर आरएनए का। तो मैसेंजर आरएनए का एंड पॉइंट इस तरह होगा कि डीएनए का जो नीचे डीएनए का जो स्ट्रैंड है, टेम्पलेट स्ट्रैंड है, उस पर एक सीरीज मौजूद होगी, गुआनिन, साइटोसिन, गुआनिन, साइटोसिन, एडिनिन, 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 थायमिन, एडिनिन, थायमिन, इस तरह का एक लॉन्ग सीक्वेंस होगा। तो इससे पता चलेगा मैसेंजर आरएनए को कि यहाँ पर इसका काम ख़त्म हुआ। तो मैसेंजर आरएनए एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको जीसी पिन या हेयर पिन कहते हैं, हेयर पिन की तरह एक स्ट्रक्चर बनाएगा जिसको जीसी पिन कहते हैं। तो मैसेंजर आरएनए कंप्लीट होता है। तो मैसेंजर आरएनए जब बन जाता है तो क्या होता है कि उसके बाद मॉडिफिकेशन, यहाँ पर एक अलग टॉपिक है, पोस्ट मॉडिफिकेशन चेंजेस टू मैसेंजर आरएनए। अब इस मैसेंजर आरएनए में कुछ चेंजेस होती है, एक चेंज ये होता है। अब चेंजेस क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर इसको मसला होता है, कुछ एंजाइम मौजूद होते हैं जिसकी वजह से इसकी सीक्वेंसेस ख़राब हो सकते हैं,
या इसका स्ट्रैंड टूट सकता है। तो वहां पर क्या होता है कि इसके 5 प्राइम एंड पर एक ग्रुप अटैच होता है या एक मॉलिक्यूल अटैच होता है जिसको 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं या 7 मिथाइल जीटीपी कहते हैं, जीटीपी कैप। तो ये कैप क्या करते हैं कि इसके 5 प्राइम एंड को प्रिवेंट करता है, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी से बचाते हैं। दूसरा जो इसमें चेंज आती है वो ये है कि इसके एंड पर एक एडिनिन एडिनिन का एक लॉन्ग चेन बन जाता है जिसको पोली ए टेल कहते हैं, और उसी वजह से इसका ये मुकम्मल मैसेंजर आरएनए स्ट्रैंड जो है वो बच जाता है। अब थर्ड जो इसमें मतलब एक प्रोसेस होती है जिसको स्प्लाइसिंग कहते हैं, तो स्प्लाइसिंग इसलिए होती है कि अभी इस मैसेंजर आरएनए पर कुछ सीक्वेंसेस इस तरह मौजूद है कि उनका हमारे प्रोटीन सिंथेसिस से कोई काम ही नहीं है, तो इनको रिमूव करने के लिए एक प्रोसेस होता है जो कि वो सीक्वेंसेस जो यूजलेस है इनको इंट्रॉन कहते हैं, या वो इस ये सीक्वेंस प्रोटीन सिंथेसिस में काम नहीं करते, और जो काम करने वाले हैं उसको एक्सॉन कहते हैं, और वो सीक्वेंसिंग कोडिंग रीजन है। तो क्या होता है कि स्प्लाइसिंग के जरिए से ये रेड जो है इससे, मतलब यहाँ पर मैंने जो शो किया रेड ये इंट्रॉन है, ये उससे रिमूव किया जाता है और बाकी जो रह जाते हैं वो एग्जॉन रह जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप स्ट्रक्चर के जरिए देखिए एग्जॉन रिमेनिंग कोडिंग सीक्वेंस है जो कि फर्दर प्रोटीन सिंथेसिस में काम करेगा ट्रांसलेशन के लिए, और इंट्रॉन थ्रू प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिमूव होता है। तो ये आज के टॉपिक के लिए था, अगर आपको कोई मसला होता